नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और यदि आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग सुनील अरोड़ा ने चंडीगढ़ में वीरवार को चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें की, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। इस अवसर पर भारत के निर्वाचन आयोग अशोक लवासा, सुनील चंद्रा, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक समीर पाल सरों के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि हरियाणा में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुनील चंद्रा ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौरे किए और बैठकें भी की। उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रकार के मुद्दों और सुझावों पर संज्ञान लिया गया। आयुक्त ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल, पुलिस नोडल अधिकारी, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ में चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की और हरियाणा में चुनाव के लिए किए गए प्रबंधों की प्रशंसा भी की। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि विशेष रूप से कमजोर वर्गों की अधिक आबादी वाले इलाकों में मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और इसकी मांग उठाई गई है। कुछ दलों के संवेदनशील मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में विशेष तौर पर नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को 1950 हेल्पलाइन और NVSP.in के माध्यम से मतदाताओं की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। नेत्रहीन मतदाताओं की सुविधा के लिए आसानी से पठनीय ब्रेल लिप बैलेट पेपर प्रदान किए जाएंगे। बैठकों के दौरान राजनीतिक दलों के कई स्थानों पर निर्माण कार्यों को जारी रहने का मुद्दा उठाया गया। एक राजनीतिक दल ने अनुरोध किया है कि दिव्यांग वोटर को मतदान की सहायता के लिए सहायक केवल उससे संबंधित ही होना चाहिए। एक राजनीतिक दल ने निजी घरों पर झंडे लगाने का मुद्दा भी उठाया। इसके संबंध में उत्पन्न संशय भी बना हुआ था, उसको दूर करने की मांग की गई। इस दौरान मिलने वाली शिकायतों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटने की भी निर्देश दिए गए हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जा सके। पुलिस बलों को असामाजिक तत्वों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया प्रभावित न हो सके और चुनाव के दौरान पूरे राज्य में सभी पुलिस चौकियों पर CCTV कैमरों के माध्यम से 24 घंटे वेबकास्टिंग व वीडियोग्राफी की जाएगी। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। इन इफेक्ट दिस इज द थर्ड विजिट, ऑल्दो द फर्स्ट फुल विजिट ऑफ द फर्स्ट विजिट ऑफ द फुल कमीशन, बट दिस इज द थर्ड विजिट बाय, दो बार हमारे सीनियर DEC जो हरियाणा के इंचार्ज है वो आ चुके हैं, एक बार लवासा जी स्वयं यहाँ आके रिव्यू कर चुके हैं। और जो हमारा सिस्टम होता है एस्टेब्लिश्ड, हम आते ही पहले तो बातचीत करते हैं राजनीतिक दलों से, उसके बाद CEO और जो पुलिस नोडल ऑफिसर मिस्टर विर्क एडिशनल DG, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद कुछ एनफोर्समेंट एजेंसीज के इनकम टैक्स इत्यादि, और या कुछ ऐसे विभाग जिनके साथ इलेक्शन का काफ़ी कोऑर्डिनेशन होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ CPFs, रेलवे इत्यादि, सबके साथ बातचीत हुई। स्टेट बैंक के जो SLBs के कोऑर्डिनेटर हैं उन सब से, और आज सुबह से बैठक चल रही थी विद डिप्टी कमिश्नर्स, SPs और SSPs, पुलिस कमिश्नर्स, डिविजनल कमिश्नर्स, उसके बाद फिर बैठक थी विद चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, DGP और उनके जो सीनियर अधिकारी थे कुछ आए हुए। तो इन सारी
बैठकों के बाद फिर फाइनली वी रिपोर्ट बैक टू द मीडिया। जो राजनीतिक दलों ने अपना मुद्दे उठाए, मोटे मोटे मुद्दे इस प्रकार से हैं कि चुनाव में पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की और विशेष रूप से कमजोर वर्गों द्वारा मतदान सुनिश्चित करने के लिए ऐसे इलाकों में तैनाती की जाए। हम नंबर ऑफ कंपनीज का तो नहीं बता सकते, लेकिन इस बार हरियाणा को द कमीशन हैज प्रोवाइडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज फॉर विधानसभा इलेक्शंस। जो भी स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और DGP तीनों ने इस पे इनफैक्ट कमीशन को धन्यवाद दिया। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, जो उनकी रिक्वायरमेंट का असेसमेंट लगा उसके मुताबिक ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड। हाँ, इस बात पे ज़रूर जोर दिया गया और देते रहते हैं कि जो वल्नरेबल एरियाज हैं उस पर विशेष तौर पर तैनाती का ध्यान रखा जाए। कुछ दलों ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर CCTV लगाने की मांग की, यह भी मांग की कि 48 आवर्स पहले ड्राई डे वगैरह का नॉट ओनली इन हरियाणा बट एक तो नेबरिंग स्टेट्स में भी हो जाए, खासकर पंजाब में तो अच्छा है। हरियाणा में तो ऑर्डर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। पंजाब के अधिकारियों ने हमारे CEO को आश्वस्त किया है कि वो भी हरियाणा की तरह एक दिन तो कम से कम ड्राई डे करेंगे, हो सकता है दो दिन ही करें, बट दैट स्टिल वी विल टॉक टू देम। राजनीतिक दलों ने अनुरोध किया कि आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। उनसे स्पेसिफिकली पूछा गया है कि आप एग्जाम्पल्स इंस्टांसेस आपके नज़र में ऐसे आए हों तो बताएं, या हमारे मिस्टर सक्सेना को बताएं या CEO को बताएं, तो ये उनको आश्वासन दिया गया। उन्होंने मीटिंग में कोई स्पेसिफिक इंस्टांस नहीं बताया। ये भी कहा गया कि निर्माण कार्यों के धन पर धन जो है वो जारी रख रहे हैं, निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, तो उनको कमीशन के जो स्टैंडिंग गाइडलाइंस हैं उनके बारे में अवगत कराया गया कि जो वर्क्स इन मोशन हो उनको कंटिन्यू कर सकते हैं एज पर द स्टैंडिंग गाइडलाइंस ऑफ परमिशन ऑफ द कमीशन, लेकिन कोई नए वर्क शुरू करने की बात हो तो उसका कोई वो इंस्टांस बताएं। उन्होंने एकाध जगह कुछ बताया, उसकी चेकिंग करवा दें। PWD वोटर्स के लिए उन्होंने एक सहायता उनको दी जाए वोटिंग करने के लिए, तो वी आर ग्लैड टू रिपोर्ट टू यू दैट आई थिंक प्रॉबली इन द रिसेंट इलेक्शंस हरियाणा हैज प्रॉबली डन द बेस्ट वर्क इन टर्म्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ PWD वोटर्स, और साथ ही सभी जिलाधिकारियों ने इस बात के लिए कमीशन को आश्वस्त किया है कि वो बिल्कुल मैक्सिमम इंतज़ाम करेंगे उनको फैसिलिटेट करने का वोटिंग के लिए। CEO ने यहाँ तक बताया कि ओवरऑल सारी स्टेट में कोई 10,000 और 11,000 के बीच वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वोटर्स, वेदर इट इज लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, ऑडियो इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट इत्यादि इत्यादि, और उनके लिए इन्होंने कुछ ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया ताकि दे कैन बी काइंड ऑफ गाइडेड एज टू हाउ टू असिस्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसके लिए मैं सारा कमीशन एक्चुअली वुड लाइक टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड द काइंड ऑफ वर्क विच हैज बीन डन बाय द CEO एंड हिज टीम एंड द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस इन कंजंक्शन। कुछ राजनीतिक दलों ने मतदान केंद्र पर पर्याप्त बिजली और रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की और ये भी कहा कि VVPAT को खिड़की से दूर रखा जाए ताकि मतदान की गोपनीयता बनी रहे और कोई अनावश्यक प्रभाव उस पर ना डाल सके। वैसे हरियाणा का जो हमने जो कमीशन का काफ़ी एक एम्फेसिस होता है
assured minimum facilities पे तो हरियाणा पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्वाइट साउंड, तो 100% कवरेज है assured minimum facilities का। और फिर भी ये जो बातें राजनीतिक दलों ने बताई हैं उसका संज्ञान लेके सभी अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया गया। सरकारी मशीनरी की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग की। जो कलेक्टर्स की मीटिंग थी उसमें बड़ा क्लियर कलेक्टर्स एसपीस की मीटिंग में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन हर चीज को बर्दाश्त, बोनाफाइड कोई एरर हो वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन कहीं भी ऐसा लगा कि देर इज लैक ऑफ न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी नहीं है, बिकॉज द ऑफिसर्स आर सपोज टू बी लाइक अम्पायर्स नॉट द टीम प्लेयर्स, तो देन कमीशन विल नॉट हेजिटेट टू टेक वेरी हार्श एक्शन एज हैज बीन टेकन ऑन इन मेनी केसेस इन द पास्ट ड्यूरिंग द लोकसभा ऑल्सो एंड वेरियस स्टेट असेंबली इलेक्शंस।